हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षा इंस्टीट्यूट में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बच्चों, वो हम करेंगे डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बच्चों हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव एट अ रेट मेजर। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था कि डेरिवेटिव एट अ रेट मेजर क्या होता है, और बच्चों हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। उसी को बच्चों आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने जो क्वेश्चंस देखे थे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे बच्चों। अब हम उसी में थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, और हम देखेंगे कि आगे डिफिकल्टी लेवल में किस टाइप के क्वेश्चन यहां से बनते हैं और कैसे क्वेश्चन बच्चों अराइज होते हैं। तो आप ध्यान रखिए बच्चों की सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड प्लस कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हर क्वेश्चन बच्चों अलग टाइप का क्वेश्चन है, आपको हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, पॉसिबली मैं आपको सारे क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करा दूंगा, जिससे आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं, इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजेस एज अ कॉन्स्टेंट रेट। यहां पे बच्चों में दे रखा इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग एज अ कॉन्स्टेंट, या फिर बच्चों हम यूनिफॉर्म रेट बोल सकते हैं, आप कॉन्स्टेंट रेट लिख सकते हैं या फिर आप यूनिफॉर्म रेट लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। देन फाइंड या फिर प्रूव डेट द पेरीमीटर वेरीज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू द रेडियस। अब बच्चों वो हमसे ये कह रहा है कि एक सर्कल है, अब वो कह रहा है एरिया ऑफ सर्कल बच्चों इंक्रीज एज अ यूनिफॉर्म रेट, यानी एरिया ऑफ सर्कल एक कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है जो कि फिक्स है बच्चों। अब वो कह रहा है कि आप ये शो करो कि जो पेरीमीटर है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर जो है, प्रूफ डेट पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर जो है बच्चों विद रेस्पेक्ट टू टाइम, आप यहां पे मान लीजिए तो वो रेडियस के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बच्चों कि रेडियस अगर बढ़ेगी तो पेरीमीटर का रेट कम होगा, और रेडियस अगर घटेगी तो पेरीमीटर का रेट बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट बिहेवियर सोल्व करेंगे। और बच्चों अगर हम नॉन इन्वर्सली देखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब ये होता है कि रेडियस बढ़ेगी तो पेरीमीटर भी बढ़ेगा बच्चों, ठीक। तो अब देखिए बच्चों हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर बच्चों हम सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं एक सर्कल, विद रेडियस आर सेंटीमीटर। अब बच्चों हमने एक सर्कल कंसिडर कर लिया जिसकी रेडियस हमने कितनी मान ली, आर सेंटीमीटर मान ली। यूनिट है बच्चों आप कुछ भी मान लीजिए, यहां पर हमने आर सेंटीमीटर कंसिडर कर ली। सो अब बच्चों हमने निकाला एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल को बच्चों हमने कैपिटल ए से डिनोट करेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। और पेरीमीटर अगर हम देखेंगे बच्चों, तो पेरीमीटर को बच्चों हम कैपिटल पी से डिनोट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, टू पाई आर आ जाएगा। अब बच्चों एरिया की वैल्यू हो गई पाई आर स्क्वायर, एंड इक्वेशन वन मान लिया, एंड पेरीमीटर की वैल्यू हो गई 2 पाई आर, ये इक्वेशन 2। तो आर की वैल्यू बच्चों यहां से कितनी आ गई, पी ओवर 2 पाई पुट इन इक्वेशन 1, उठाकर हमने से किस में पुट कर दिया बच्चों, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। तो एरिया बच्चों हमारे पास आ गया पाई पी ओवर 2 पाई का होल स्क्वायर, यानी एरिया आ गया हमारे पास पाई पी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, यही हो गया बच्चों। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1 अपॉन 4 पाई इनटू में पी स्क्वायर। अब बच्चों हमने बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी, तो बच्चों डी ए ओवर डी टी हो गया, ये हो गया आपके पास 1 अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा बच्चों 2 पाई, वो सॉरी 2 पी, पी स्क्वायर है तो बच्चों 2 आ गया, पी की पावर एक कम हो गई, और डी पी ओवर डी टी, यही हो गया बच्चों। अब बच्चों हमें गिवेन है कि यहां पर जो है ये कॉन्स्टेंट रेट से चेंज हो रहा है बच्चों, अब कॉन्स्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, इसका मतलब बच्चों डी ए ओवर डी टी जो है कॉन्स्टेंट रेट से चेंज हो रहा है यूनिफॉर्म से, तो उसको बच्चों हमने क्या कंसिडर कर लिया, के कंसिडर कर लिया,
क्योंकि इसकी वैल्यू तो फिक्स होगी बच्चों, क्योंकि यहां पे दे रखा है इंक्रीजिंग एट द यूनिफॉर्म रेट। अब बच्चों यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रहा है यानी एक फिक्स रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो फिक्स रेट से इंक्रीज हो रहा है तो बच्चों हम इसको क्या कंसिडर कर सकते हैं, हम यहां पे मान सकते हैं कि डीए ओवर डीटी की जो वैल्यू है वो बच्चों हमने फिक्स रेट से कितनी मान ली, वो हमने मान ली कि बच्चों फिक्स रेट से जो इंक्रीज हो रही है वो कितनी इंक्रीज हो रही है बच्चों, वो के इंक्रीज हो रही है। इतनी बात आपको समझ में, तो इसको हमने मान लिया कि बच्चों यहां पर ये कितना आ रहा है डीए ओवर डीटी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वो के आपके पास निकल कर आ रही है, हमने इसको कंसिडर कर लिया। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे तो डीए ओवर डीटी की वैल्यू आ गई 1/4 pi इन टू में बच्चों ये आ गया 2 pi डी पावर है वो डीपी ओवर डीटी, यही आ गया बच्चों। अब इसको 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो बच्चों ये हो गया 1/2 pi, पी की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 pi r, क्योंकि यहां पर बच्चों पी की वैल्यू 2 pi r थी, डीपी ओवर डीटी ये कैंसिल हो गया बच्चों। अब यहां से आप देखेंगे तो डीपी ओवर डीटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, के ओवर आर आ जाएगी। यहां से बच्चों आ गया कि डीपी ओवर डीटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के, यानी हम यहां पर लिख सकते हैं बच्चों कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। क्लियर हो गई बच्चों, ये बात समझ में आ गई आपको। दोबारा समझिए बच्चों, सबसे पहले हमें दे रखा था कि एरिया ऑफ सर्कल जो है कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो बच्चों हमने एक सर्कल कंसीडर कर लिया, रेडियस आर मान ली, तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर और पेरीमीटर हो गया 2 pi r। यहां से बच्चों हमने आर की वैल्यू निकाली तो पी ओवर 2 pi आ गई, इस इक्वेशन में पुट कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया बच्चों बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी आ गया, डी ओवर डी टी की वैल्यू हमें के दे रखी थी बच्चों, उठाकर हमने के पुट कर दी यहां पर, इसकी वैल्यू आ गई बच्चों 2 pi हो गया, ये डीपी ओवर डी टी 2 pi से 2 pi बच्चों ये कैंसिल हो गया, यहां पर हमने P की वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल शो करना था बच्चों वो शो हो गया। क्लियर हुई बात बच्चों, सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, डेरिवेटिव एट अ रेट मेजर में बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप उसे ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो अब जो क्वेश्चन बच्चों हम ले रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। हमने क्वेश्चन लिया बच्चों, अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व 6y = x³+2। अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व 6y = x³+2। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times faster than the x coordinate। अब बच्चों बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन है, आप देखिए इसमें ये कह रहा है कि एक कर्व है बच्चों, उस पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, और कर्व क्या है बच्चों आपके पास 6y = x³+2। अब वो ये कह रहा है कि उस कर्व पर बच्चों वो पॉइंट निकालिए जहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट इज 8 times faster than rate of change of x coordinate, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों सॉल्यूशन, हमें बच्चों यहां पर जो कर्व है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 6y = x³+2। कंसिडर अ पॉइंट पी x, y ऑन द कर्व अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, dy/dt = 8 times dx/dt, यही तो दे रखा है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times फास्टर देन द x कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट बच्चों कितना हो गया dy/dt,
एक्स कोऑर्डिनेट उसके 8 टाइम चेंज हो रहा है, तो dy ओवर dt की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 8 टाइम्स ऑफ dx ओवर dt। क्लियर हुआ बच्चों? नो। अब बच्चों मेरे को पॉइंट निकालना है, तो हमने कर्व लिखा, कर्व कितना हमारे पास 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो 6 dy बाय dx इक्वल्स टू 3 एक्स क्यूब का बच्चों कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर dx ओवर dt प्लस 0 विद रेस्पेक्ट टू t होगा बच्चों, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में हमें दे रखा है। तो ये हो गया बच्चों 6 dy बाय dt इक्वल्स टू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, और x का द्वारा करेंगे तो dx ओवर dt, और 2 का बच्चों कांस्टेंट का कितना हो गया 0। अब बच्चों dy ओवर dt की वैल्यू यहां से हमें दे रखी है, तो हम इसे पुट कर देंगे 8 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास, इसको यहां पे कैंसिल कर दीजिए, 2 आ जाएगा बच्चों dx ओवर dt, यही हो जाएगा बच्चों इक्वल्स टू में बच्चों आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर dx ओवर dt। अब बच्चों dx ओवर dt से dx ओवर dt का डे आएगा, ये हो जाएगा 16 इक्वल्स टू x स्क्वायर। आप यहां से देखेंगे तो बच्चों x स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो x की वैल्यू हो गई प्लस 4 और माइनस 4, x की दो वैल्यू आ गई बच्चों। अब बच्चों हमने क्या पहला केस लिया, इफ x इक्वल्स टू प्लस 4, तो पॉइंट निकाल लें बच्चों, तो पॉइंट तो x और y दोनों निकलेंगे, इसमें पुट कर देंगे बच्चों कर्व की इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन ऑफ कर्व, तो बच्चों 6y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 2, 64 प्लस 2 66, तो y की वैल्यू आ जाएगी 11, तो p पॉइंट यहां से हो गया बच्चों 4, 11। अब हमने x इक्वल्स टू माइनस 4 लिया, पुट इन इक्वेशन ऑफ कर्व 6y इक्वल्स टू माइनस 4 का क्यूब प्लस 2, तो माइनस 4 का क्यूब 64 हो गया, 64 प्लस 2 बच्चों ये नेगेटिव में आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 62, यही हो जाएगा बच्चों। 2 से कैंसिल करेंगे तो बच्चों ये 3 टाइम जाएगा, ये 31, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों माइनस का 31 ओवर 3, पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चों माइनस 4 कॉमा माइनस का 31 बाय 3। तो बच्चों यहां पर हमारे पास दो पॉइंट निकलकर आ गए, एक पॉइंट बच्चों p जो है वो निकलकर आया आपके पास 4, 11, एंड दूसरा पॉइंट जो p निकलकर आया माइनस 4, माइनस 31 बाय 3, तो दो पॉइंट हो गए बच्चों। इन दोनों में से आप कोई भी कंसिडर कर सकते हैं, दोनों ही प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। क्लियर हुआ? दोबारा समझिए बच्चों। तो यहां पर बच्चों हमें दे रखा था कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है बच्चों, किस पर, एक कर्व पर मूव कर रहा है, और कर्व बच्चों हमें क्या दे रखा है, कर्व हमें दे रखा है 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों को ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम फास्टर देन द एक्स कोऑर्डिनेट। तो बच्चों हमने कर्व ले लिया, यहां पर हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया एक्स कोमा वाई कर्व पर। अब बच्चों यहां पर हमारे पास dy ओवर dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमें दे रखा है कि 8 टाइम्स चेंज हो रहा है फास्टर, तो ये हो गया 8 dx ओवर dt, तो dy बच्चों 6y की वैल्यू आ गई, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू t, वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करके बच्चों x की दो वैल्यू आ गई प्लस 4 और माइनस 4, पॉइंट पुट करना है बच्चों, हमें पॉइंट निकालना है, तो एक बार कर्व में x की जगह 4 रख दिया तो y की वैल्यू 11 मिल गई बच्चों, एक बार हमने x की जगह माइनस 4 रख दिया तो बच्चों y की वैल्यू कितनी मिल गई माइनस का 31 बाय 3 मिल गई, तो दो पॉइंट हो गए बच्चों ये आपके 4, 11, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया माइनस 4, माइनस का 31 बाय 3, यानी दो पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं जो इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं बच्चों, सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लिया हमने, अ मैन 2 मीटर हाई वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम अ लैंप पोस्ट 5 मीटर हाई, फाइंड द रेट एट विच द
शेडो इंक्रीज। अब बच्चों वो ये कह रहा है हमारे पास कि हमारे पास एक आदमी है जिसकी हाइट कितनी है बच्चों, 2 मीटर। अ मैन 2 मीटर हाई वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से वो बच्चों वॉक कर रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड बच्चों कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों वो यूनिफॉर्म स्पीड से वॉक कर रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में कर रहा है, अवे फ्रॉम अ लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है बच्चों। लैंप पोस्ट की जो हाइट है वो है 5 मीटर। अब बच्चों देखिए कि यहां पर हमने एक लैंप पोस्ट मान लिया बच्चों, ये ए और बी, ये एक लैंप पोस्ट है बच्चों। यहां पर बच्चों हमने एक मैन मान लिया, ये सी और डी एक मैन है, ये बच्चों 5 मीटर है, ये 2 मीटर है। अब बच्चों ये वाला डिस्टेंस एक्स मान लीजिए, ये वाला डिस्टेंस वाई मान लीजिए। अब बच्चों एक आदमी यहां से जा रहा है इधर की तरफ बच्चों, इसको ई पॉइंट मान लीजिए, तो dx ओवर dt कितना है बच्चों, वो है 6 मीटर पर सेकेंड। यही हो गया बच्चों, अवे फ्रॉम लेफ्ट पोस्ट जा रहा है, यानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ए से सी की तरफ जा रहा है, तो किस रेट से जा रहा है बच्चों, 6 मीटर पर सेकेंड से, तो dx ओवर dt। अब बच्चों मैं यहां पे निकालना क्या है कि शेडो किस रेट से इंक्रीज होगी, यानी हमें dy ओवर dt निकालना है कि dy ओवर dt की वैल्यू क्या आएगी। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले बच्चों हमने लिखा कंसिडर आ लैंप पोस्ट ए बी ऑफ हाइट 5 मीटर एंड अ मैन सी डी ऑफ हाइट 2 मीटर। मैन वॉक्स अवे फ्रॉम लैंप पोस्ट डेट इज dx ओवर dt कितना हो गया बच्चों, 6 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों में dy ओवर dt निकालना है, हम कैसे निकालेंगे, अब देखिए, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई, एक ट्राइंगल बच्चों हमने ए बी ई लिया, एक ट्राइंगल हमने सी डी ई लिया, ये दोनों बच्चों कैसे हो गए, कौन 90 डिग्री के हो गए, ये दोनों बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, और ये एंगल ई जो है वो कैसा हो गया, कॉमन हो गया। तो बच्चों हम यहां पे लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई, क्यों, क्योंकि दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है। अब बच्चों सिमिलर है तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि डेट इज ए बी ओवर सी डी। अब सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो बच्चों यहां पर क्या होता है, जो साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। अगर सिमिलर आपको प्रूफ करना है तो आप दिखा दीजिएगा, ये 90 ये 90, ये एंगल कॉमन, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो तीनों एंगल्स बच्चों कॉमन हो गए, यानी सेम हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, सिमिलर हो गए ट्राइंगल। तो ए बी अपॉन सी डी की वैल्यू वही आएगी जो ए ई अपॉन सी ई की वैल्यू आएगी। अब ए बी कितना है बच्चों, 5, और सी डी कितना है 2, क्योंकि ए बी लैंप पोस्ट है और सी डी मैन ऑफ हाइट है। इसके बाद बच्चों ए ई, तो ये कितना हो जाएगा, ये मैंने एक्स माना, ये वाई माना है, तो एक्स प्लस वाई, और सी ई बच्चों इतना है, तो ये हो जाएगा वाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बच्चों 5y = 2x + 2y, वाई आगे इधर माइनस हो जाएगा तो 3y = 2x। अब बच्चों डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी, तो बच्चों ये हो जाएगा 3dy/dt = 2dx/dt। अब dx ओवर dt की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 6, तो 3dy/dt = 2×6, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो dy/dt कितना हो गया बच्चों, 4 cm/s, 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये आपके पास dy/dt की वैल्यू आ गई, यानी जो शेडो है बच्चों वो किस रेट से इंक्रीज करेगी, वो 4 मीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज करेगी। दोबारा सुनिए बच्चों, ये कह रहा था कि एक लैंप पोस्ट है जिसकी हाइट 5 मीटर है और एक मैन है जिसकी हाइट 2 मीटर है, ये मान लिया बच्चों हमने। एक आदमी लैंप पोस्ट से अवे जा रहा है, किस रेट से जा रहा है बच्चों, 6 मीटर पर सेकेंड की रेट से जा रहा है। शेडो जो बनेगी बच्चों, मैन की शेडो यही वाली बनेगी, ये किस रेट से इंक्रीज होगी, तो बच्चों हमने ये माना दिया ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए,
सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो ए वी ओवर सी डी वही होगा जो ए ई ओवर सी ई होगा। वैल्यूज पुट कर दी बच्चों, एक्स और वाई में रिलेशन मिल गया कि 3y इक्वल टू 2x। दोनों को बच्चों हमने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, तो 3dy by dt इक्वल्स टू कितना आ गया 2dx ओवर dt। dx ओवर dt की वैल्यू बच्चों 6 पुट कर दी, 3 से कैंसिल हो गया बच्चों, 2 टाइम्स आ गया 4 आ गया। यानी रेट ऑफ शैडो बच्चों किस रेट से इंक्रीज हो रही है, 4 मीटर पर सेकंड की रेट से ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आ गया आपको ये? सारे के सारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। मैं आपको बिल्कुल इजीएस्ट वे बता रहा हूं इनको सॉल्व करने का, कोई भी कंफ्यूजन मुझे नहीं लग रहा अब आपको बच रहा होगा, क्योंकि हम सबसे आसान तरीके से सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, इससे आसान इसको करने का तरीका नहीं है। और अगर हम स्टेप शॉर्ट करेंगे तो बच्चों बोर्ड में मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि बोर्ड में स्टेप मार्किंग भी होती है, तो हमें बच्चों उतने स्टेप तो लिखने पड़ेंगे जितने हमें मार्क्स मिले। यानी अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो बच्चों आप उतने स्टेप तो लिखेंगे ना कि आपको 4 मार्क्स मिले, तो बच्चों इससे ज्यादा शॉर्ट मत करिएगा क्योंकि बोर्ड में फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर बच्चों कंपटीशन में क्वेश्चन आता है तो फिर तो आप इजीएस्ट से इजीएस्ट इसको लिखिए ही मत, फिर तो आपको डायरेक्ट फिगर से ही समझ में आ रहा था कि ये सिमिलर ट्राइंगल है बच्चों, ये सबको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, सिमिलरिटी लगाते बच्चों और डिफरेंशिएट करके तुरंत आंसर आपको मिल जाता। क्लियर हुआ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखिए यहां पर बच्चों मानते हैं कि द 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल विद फिक्स्ड बेस ऑफ यूनिट बी आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट द एरिया ऑफ ट्राइंगल डिक्रीजिंग when the two equal sides are equal to the base. देखिए बच्चों हमें यहां पे दे रखा है the two equal sides of an isosceles triangle, दो equal sides हैं बच्चों isosceles triangle की ऑफ फिक्स्ड बेस, उनका फिक्स्ड बेस है बच्चों, बेस कितना दे रखा है बी। अब बच्चों यहां पर हमें एक आइसोसेलिस ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं। देखिए हमने एक आइसोसेलिस ट्राइंगल मान लिया बच्चों ए बी सी, बच्चों दोनों ये साइड हमने एक्स मान ली और जो बेस है बच्चों उसको हमने क्या कंसिडर कर लिया, साइड बी। अब बच्चों अगर हम परपेंडिकुलर यहां पर गिराएंगे तो ये हाफ हाफ में बांट देगा, यानी ये बी बाई टू हो जाएगा और ये बी बाई टू हो जाएगा और ये हमने बच्चों डी मान लिया। ठीक है बच्चों, अब हमसे क्या कह रहा है बच्चों, वो हमसे ये कह रहा है यूनिट बी, अब बच्चों वो हमसे कह रहा है आर डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी जो बेस है वो किस रेट से डिक्रीज हो रहा है बच्चों, वो डिक्रीज हो रहा है आपका 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से डिक्रीज हो रहा है। दोबारा समझिए बच्चों, द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल विथ फिक्स बेस, ये तो हो गया, डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी dx ओवर dt जो फिक्स साइड्स हैं बच्चों, सॉरी दो वेरिएबल साइड्स हैं जिनकी बच्चों लेंथ हमने कितनी मानी है x, बेस फिक्स है भी, तो जो साइड्स हैं बच्चों वो किस रेट से डिक्रीज हो रही हैं, वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से डिक्रीज हो रही हैं। जो डिक्रीज होती हैं बच्चों उनके आगे माइनस लगा लेते हैं, तो माइनस साइन का मतलब ये होता है कि कोई चीज घट रही है और प्लस साइन का मतलब होता है कि कोई चीज बढ़ रही है। तो जब भी डिक्रीज वाली बात आएगी तो आप माइनस लगा दीजिएगा, माइनस अंडर स्टोरेबल होता है कि हम यहां पे बात कर रहे हैं डिक्रीज की, माइनस साइन लग रहा है इसका मतलब जो रेट है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है लेकिन डिक्रीज का है, प्लस होता तो बच्चों रेट जो है वो इंक्रीज का हो जाता। अब वो ये कह रहा है हाउ फास्ट द एरिया ऑफ ट्राइंगल डिक्रीजिंग, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल किस रेट से डिक्रीज करेगा, कब,
जब जो साइड्स है जो इक्वल वाली वो किसके बराबर हो जाए, बी के बराबर हो जाए, यानी एक्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाए, वो बी के इक्वल हो जाए। अब बच्चों देखिए, हम सबसे पहले यहां पे लिखेंगे कंसिडर आइसोसेलेस ट्राइंगल, ए बी सी विद इक्वल साइड्स ऑफ एक्स सेंटीमीटर एंड बेस बी। अब अच्छा हमने यहां पे लिखा ड्रॉ परपेंडिकुलर ए डी फ्रॉम ए टू बी सी। अब बच्चों ये 90 डिग्री हो गया, तो यहां से हम AD की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों हमने देखा इन ट्राइंगल ABD, तो हम यहां पे लिख सकते हैं बच्चों AB का स्क्वायर इक्वल्स टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय फोर प्लस AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय फोर, यही आ गई बच्चों। तो AD की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, AD की वैल्यू हो गई आपके पास अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय फोर, यही हो गई बच्चों। तो ये आपके पास AD की वैल्यू आ गई बच्चों अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय फोर, क्लियर हो। अब बच्चों आपने निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो ए मान के चले बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसको बच्चों हमने ए मान लिया, तो क्या होता है बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो गया बच्चों बी सी और हाइट कितनी हो गई बच्चों, हाइट हो गई ए डी, यही हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों कोई भी ट्राइंगल हो तो एक ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया बच्चों बी सी और हाइट हो गई आपके पास ए डी। एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों स्मॉल में बी, और हाइट AD बच्चों कितनी निकली है अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय फोर, यही आ गई बच्चों। तो यहां से आप देखेंगे कि एरिया की वैल्यू आ गई बच्चों बी बाय टू अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय फोर। अब बच्चों में डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमने लिखा डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे बच्चों, सॉरी बच्चों ये आपको t के रेस्पेक्ट में दे रखा है, तो आपको यहां पर ये दे रखा है कि जो डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू दे रखी है, तो टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है आपको। तो डी ए ओवर डी टी बी बाय टू आ गया, इसको बच्चों हम अगर कैपिटल एक्स चेन रूल लगाएंगे यहां पर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैपिटल एक्स की बार वन बाय टू, तो बच्चों वन बाय टू आगे आ जाएगा और कैपिटल एक्स की बार माइनस वन बाय टू हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय फोर। कैपिटल एक्स का बच्चों दोबारा डिफ्रेंशिएशन होगा तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा टू एक्स, और x का दोबारा होगा तो बच्चों ये कितना हो जाएगा dx एक्स ओवर dt। इतनी बात आपको समझ में, दोबारा समझिए बच्चों डिफ्रेंशिएशन कैसे हुआ, तो dA ओवर dt हो गया, बी बाई टू ऐसे ही आ गया। अब बच्चों इसका डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय फोर का, तो हमने बच्चों इसको कैपिटल x मान लिया, कैपिटल x की पावर वन बाय टू का डिफ्रेंशिएशन वन बाय टू, कैपिटल x का माइनस वन बाय टू हो जाएगा कैपिटल x का दोबारा, तो बच्चों बी स्क्वायर बाय फोर का तो जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना होगा टू एक्स, और x का करेंगे तो dx एक्स ओवर dt। अब बच्चों इस वाले टू से ये वाला टू कैंसिल हो गया, तो यहां पर डी ए ओवर डी टी की वैल्यू आ गई आपके पास बी एक्स ओवर टू अंडर रूट में बच्चों ये हो गया फोर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बच्चों टू डिवाइड से बाहर आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है माइनस का थ्री, तो यहां पर रख देंगे माइनस का थ्री। अब बच्चों यहां पर आ गया कि डी ए ओवर डी टी की वैल्यू हो गई माइनस थ्री बी एक्स अपॉन में अंडर रूट में फोर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये जो वैल्यू है बच्चों वो आपके पास निकल आई डी ए ओवर डी टी की वैल्यू, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब बच्चों वो ये कह रहा है कि हमें कब निकालना है कि किस रेट से डिक्रीज होगा, वेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, दैट इज When base is equal to, ये मैं रफ कर दे रहा हूं बच्चों। अब यहां पर बात आ रही है कि अगर बेस बराबर हो जाएगा किसके साइड्स के तो क्या होगा, यानी अब बच्चों हमें x की वैल्यू किसके बराबर ले लेनी है b के बराबर, तो चेंज इफ x इक्वल्स टू b, अब x इक्वल्स टू b हो गया यानी d ओवर dt
x इक्वल्स टू b पर हम देखेंगे तो माइनस का 3b इंटू बी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों b x था। डिवाइड में कितना आ जाएगा, अंडर रूट में बच्चों 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो माइनस 3b स्क्वायर बच्चों ये हो जाएगा 3b स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया माइनस का 3b स्क्वायर, ये रूट 3 बच्चों b, b से b कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा माइनस का रूट 3b, यही आ जाएगा बच्चों। अब ये बच्चों वैल्यू आई, इसका मतलब dA ओवर dt जो है आपका वो क्या आ गया बच्चों, x इक्वल्स टू b चेंज होने पर माइनस का रूट 3b निकल कर आ गया। अब बच्चों यहां पर जो यूनिट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा और t बच्चों किस में होगा, सेकंड में होगा। जो माइनस साइन लग रहा है बच्चों वो किसको डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है कि डिक्रीज किस रेट से हो रहा है। दोबारा समझिए बच्चों पूरे क्वेश्चन को, एक इक्विलेटर ट्राइंगल था, बेस था बच्चों बी, बाकी की दोनों इक्वल साइड्स को हमने एक्स मान लिया था बच्चों, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एडी का, एडी की वैल्यू आपने निकाल ली थी बच्चों ट्राइंगल से ही, हमने एडी की वैल्यू निकाल ली, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला बच्चों ये आ गया, डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डी ओवर डी टी की वैल्यू आ गई बच्चों। अब हमने क्या करना था, डी ओवर डी टी निकालना था जब एक्स बी के बराबर होगा, तो हमने बच्चों एक्स की वैल्यू को बी पुट कर दिया, यहां से सॉल्व होता हुआ बच्चों माइनस का रूट 3 भी आ गया। नेगेटिव किसको डिनोट कर रहा था कि डिक्रीज को डिनोट कर रहा था कि डिक्रीज हो रहा है एरिया, और किस रेट से डिक्रीज होगा बच्चों, माइनस रूट 3b से डिक्रीज होगा। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनल ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल पाई बाय 4। वॉटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कॉनिकल फनल ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल पाई बाय 4 एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इन इट्स सरफेस एरिया थ्रो अ टिनी होल एट द बॉटम, एट द वर्टेक्स इन द बॉटम, व्हेन द फ्लैंट हाइट ऑफ वॉटर इज 4 सेंटीमीटर फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द फ्लैंट हाइट ऑफ द वॉटर। समझे बच्चों, क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक कोनिकल फनल है, ठीक है बच्चों, कोनिकल फनल है, तो बच्चों अगर हम कोन बनाते हैं तो कोन बच्चों हमारे पास जैसे आपने देखा जोकर की कैप होती है, बर्थडे कैप जो होती है बच्चों इस शेप में होती है, कोन की शेप में। फनल बच्चों उसका उल्टा होता है कि वो ऊपर की साइड बच्चों ये आता है और नीचे की साइड बच्चों बॉटम साइड वर्टेक्स आता है। ये बच्चों हमारे पास एक कोनिकल फनल हो गया, शेप थोड़ी सी सही कर लेते हैं बच्चों, ये वर्टेक्स ए मान लिया बच्चों, ये पॉइंट बी हो गया और ये सी हो गया। तो बच्चों ये कोनिकल फनल हो गया और ये बॉटम में क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया बच्चों। सेमी वर्टिकल एंगल होता है बच्चों कोनल की, हाँ जो कोन है ये दोनों इक्वल साइड्स हो गई, तो इक्वल साइड्स मिलकर बच्चों जो एंगल बनाती हैं उसका हाफ जो होता है, तो
तो ये भी पाई बाय फोर हो गया बच्चों, ये भी पाई बाय फोर, क्योंकि ये पूरा एंगल जो है वर्टिकल एंगल होता है। तो यहां पे दे रहेगा वॉटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनल एट सेमी वर्टिकल एंगल पाई बाय फोर एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 cm² per second, यानी जो वॉटर है बच्चों वो किस रेट से आउट हो रहा है, वो 2 cm² per second की रेट से बाहर निकल रहा है। अब बच्चों ये कह रहा है इन इट सरफेस एरिया थ्रू अ टेनी होल, ठीक है बच्चों, यानी हम यहां पर लिख सकते हैं कि ds ओवर dt की वैल्यू कितनी है, -2 cm² per second। माइनस इसलिए लगाया बच्चों क्योंकि जो पानी है वो बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब जो सरफेस एरिया है वो कम हो रहा होगा बच्चों। सरफेस एरिया क्या होता है, जितना कवर्ड एरिया है, पानी मान लीजिए कि अगर अभी यहां तक भरा हुआ है तो बच्चों ये इतना सरफेस एरिया हो जाएगा, तो ये कमी तो हो रहा है बच्चों। अब यहां पर हमने से क्या करा, बी डैश मान लिया और इसको हमने सी डैश मान लिया। अब ये कम हो रहा है तो बच्चों डीएस ओवर डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 cm² per second। अब वो कह रहा है कि बच्चों वेन द सिलेंट हाइट इज 4, यानी L की वैल्यू हमें कितनी लेनी है बच्चों, 4 सेंटीमीटर लेनी है, तो हमें dl ओवर dt फाइंड करना है कि वो क्या आएगा, किस रेट से जो सिलेंट हाइट है वो डिक्रीज करेगी। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे कंसिडर अ कोन, ये हमने कोन कंसिडर कर ली बच्चों। अब कोन कंसिडर कर ली ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल पाई बाय फोर, और सेमी वर्टिकल एंगल बच्चों उसमें हमने कितना मान लिया, पाई बाय फोर मान लिया। तो बच्चों हमने एक कोन कंसिडर कर दी और कोन में बच्चों हमने सेमी वर्टिकल एंगल को क्या ले लिया, वहां पर हमने सेमी वर्टिकल एंगल को हमने पाई बाय फोर ले लिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब ये बात बच्चों हमें समझ में आ गई तो यहां पर हमने ये देख लिया कि एंगल जो है वो पाई बाय फोर हो गया। अब बच्चों रेट हमने देखा, अब अगर हम सरफेस एरिया बच्चों यहां पर निकालेंगे तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम ऐसे डिनोट करेंगे तो पाई आर एल यही होगा। अब बच्चों यहां पर एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास पाई आर एल आ गया। अब आपको सिलेंट हाइट पुट करके चेंज भी किसमें निकालना है, सिलेंट हाइट में निकालना है, इसका मतलब अब यहां पर रेडियस का कोई रोल नहीं है। तो आप क्या करिए बच्चों, रेडियस को चेंज करिए और रेडियस को किसके टर्म में लिखिए, आप सिलेंट हाइट के टर्म में लिखिए, ठीक। अब रेडियस को सिलेंट हाइट के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो बच्चों देखिए यहां पर वाटर यहां तक है तो इसको मैं आर मान सकता हूं और सिलेंट हाइट बच्चों ये वो एल हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक की, क्योंकि सरफेस एरिया की बात हो रही है तो जहां तक पानी भरा उतने की बात हो रही है। ये इक्वेशन वन मान लीजिए बच्चों। अब हमने लिया इन ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश। अब बच्चों आर और एल को अगर हमें रिलेट करना है तो ये 90 डिग्री है, एंगल थीटा है, तो बच्चों परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस में निकालना है तो हम यहां पे साइन पाई बाय 4 लिख सकते हैं। तो साइन पाई बाय 4 कितना हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी आर ओवर एल, यही हो जाएगा। 1/√2 हो गया, तो बच्चों आर की वैल्यू हो गई एल साइन पाई बाय 4 इक्वल्स टू आर, तो यहां से आर की वैल्यू आ गई बच्चों एल ओवर रूट टू। आपने उठाकर पुट इन इक्वेशन कहां पे करवा दिया बच्चों, वन में ऐसे पुट करवा दिया, तो यहां से एस की वैल्यू आ गई बच्चों पाई एल स्क्वायर अपॉन में यहां पर आ गया रूट टू, तो आर की जगह एल बाय रूट टू रखेंगे तो बच्चों रूट टू आ गया, एल इंटू एल कितना हो गया एल स्क्वायर हो गया। ये बच्चों आपको ट्रिक याद रखनी है कि हमें किसमें रिलेशन निकालना है। तो आप यहां पर देखेंगे कि सरफेस एरिया की वैल्यू दे रखी है बच्चों वो, और सिलेंट हाइट में रिलेशन निकालना है, तो उसके अलावा जो भी आ रहा है आप उसको दूसरे के टर्म में चेंज कर लीजिए। तो यहां पर आपने क्या करा, आर को एल के टर्म में चेंज कर लिया। अब बच्चों आपने क्या करा कि आर एस और एल में आपके पास रिलेशन मिल गया, अब आपने लिखा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी, तो बच्चों डी एस ओवर डी टी इक्वल्स टू पाई बाय रूट टू, एल स्क्वायर का बच्चों 2L हो जाएगा डी एल ओवर डी टी, ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा तो रूट टू आ जाएगा यहां पर। अब डीएस ओवर डीटी की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, -2 cm² दे रखी है, तो -2 आप यहां पे पुट कर देंगे, -2 इक्वल्स टू रूट टू पाई एल डीएल ओवर डीटी। तो बच्चों अब आपने डीएल ओवर डीटी निकालेंगे तो यहां पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का रूट टू ओवर पाई एल हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों। इतनी बात आपको समझ में आ गई, पाई एल डिवाइड में आ गया बच्चों, माइनस का रूट टू हो गया। अब बच्चों आपको कब निकालना है, जब सिलेंट हाइट कितनी दे रखी है हमें डिक्रीज, वाटर हाइट जो सिलेंट हाइट है वो 4 हो जाए, यानी डीएल ओवर डीटी की वैल्यू कितनी हो गई एल इक्वल्स टू 4 पर,
तो माइनस रूट टू ओवर पाई इंटू फोर, तो टू इंटू टू लिखेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस वन ओवर टू रूट टू पाई। कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस वन ओवर टू रूट टू पाई हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसा भी लिखा रहने देख सकते हैं। तो ये आपके पास वैल्यू जो आ गई बच्चों वो डी एल ओवर डी टी की आ गई। यूनिट आप लिखेंगे तो बच्चों यूनिट यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि बच्चों एल जो है वो साइड है, फ्रंट हाइट है, तो बच्चों एल सेंटीमीटर में होगा और टाइम किस में होगा? सेकेंड में होगा। जो माइनस साइन है बच्चों वो किसको डिनोट कर रहा है? वो डिक्रीज को डिनोट कर रहा है कि जब वाटर ड्रिपिंग आउट यानी वाटर अगर बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली बात है कि बच्चों सरफेस एरिया कम होता चला जाएगा। सरफेस एरिया कम होगा इसका मतलब क्या होगा कि स्लेंट हाइट की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी, घटेगी। इतनी बात आपको समझ में? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कॉम्पिटिशन एग्जाम प्लस बोर्ड्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखिए बच्चों। दोबारा समझिए कि वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक कोन है बच्चों वर्टिकल, एंगल जो है उसका वो पाई बाय टू है, सेमी वर्टिकल एंगल पाई बाय फोर हो गया, पानी उसमें भरा हुआ है बच्चों, टिनी होल है यहां पर बॉटम में, वहां से पानी बाहर निकल रहा है। तो जो सरफेस एरिया कम हो रहा है डीएस ओवर डीटी वो कितना हो रहा है? माइनस टू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब आपको बताना है कि स्लेंट हाइट किस रेट से कम होगी अगर एल की वैल्यू है आपके पास 4 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना? सरफेस एरिया लिया पाई आर एल। अब एदर ट्रिक आपको याद रखना है कि आपको वो वैल्यू हटानी है जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो यहां पे आर की जरूरत नहीं है। तो आर को आपने इन टर्म्स ऑफ एल फाइंड करा, आर की वैल्यू इसमें पुट कर दी बच्चों, अब एस और एल में रिलेशन आ गया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टू बच्चों, डीएस ओवर डीटी की वैल्यू रख दी, डीएल ओवर डीटी आ गया, एल की वैल्यू फोर पर पूछा था बच्चों, स्लेंट हाइट फोर पुट कर दी, तो आंसर आपके पास निकल कर आ गया। क्लियर हुआ? बस आपको यहां पर ये पोर्शन याद रखना है कि आर कैसे हटाना है, तो मैंने आपको बता दिया कि हमें कैसे पता लगेगी कि हमें किसको हटाना है बच्चों। तो आपको यह देखना है कि क्या हमें दिया हुआ है और क्या हमसे पूछा है। तो एस और एल में बात हो रही है तो बच्चों आर का यहां पर कोई मीनिंग नहीं है, तो हमने वहां पर आर को हटा दिया। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ इसी से रिलेटेड है। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हमने लिया अ वॉटर टैंक हैज द स्लोप ऑफ अ इनवर्टेड राइट सर्कुलर कोन विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स लोअर मोस्ट इफ इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज टेन इनवर्स 0.5 वॉटर इज पोर्ड इन टू इट एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब पर आर। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वॉटर इज राइजिंग एट अ इंस्टेंट वेन द डेप्थ ऑफ वॉटर इन टैंक इज 4 मीटर। मीटर क्यूब कर लीजिए बच्चों, समझिए बच्चों वो क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड प्लस कॉम्पिटिशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ वॉटर टैंक हैज अ स्लोप ऑफ अ इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। अब बच्चों जो वॉटर टैंक है वो इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन की तरह है, यानी राइट सर्कुलर कोन की फॉर्म में बच्चों हमारे पास क्या बन रखा है? एक वाटर टैंक बन रखा है। ये टैंक हो गया बच्चों, ए मान लीजिए, इसे बी और इसे सी, ठीक है बच्चों। ये एक टैंक है जहां पर हम वाटर को क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं बच्चों। तो टैंक हमारे पास किस फॉर्म में बना हुआ है? राइट सर्कुलर कोन की फॉर्म में बना हुआ है, इन्वर्टेड।
विद इज एक्सिस वर्टिकल, एक्सिस वर्टिकल हो गई लोअर मोस्ट, इफ द सेमी वर्टिकल एंगल इज टेन इनवर्स 0.5। ये जो एंगल है बच्चों यहां पर हम इसे थीटा मान सकते हैं, तो थीटा कितना है, टेन इनवर्स 0.5 है, यानी टेन थीटा की वैल्यू बच्चों 0.5 हो गई, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 1/2 हो गई, ठीक है बच्चों। अब ये कह रहे हैं वाटर इज पोर्ड इनटू इट, वाटर इसके अंदर जा रहा है बच्चों किस रेट से जा रहा है, 5 m³/h की स्पीड से जा रहा है, यानी पर आर 5 m³ क्वांटिटी ऑफ वाटर इसके अंदर जा रही है। अब बच्चों हमने मान लिया कि वाटर यहां तक फिल है टैंक में, अब बच्चों इसको बी डैश पॉइंट माना, इसको हमने क्या मान लिया सी डैश, इसको बच्चों हमने ओ डैश मान लिया और यहां पर ओ मान लिया। अब वो ये कह रहा है फाइंड द रेट एट विच लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग, किस रेट से लेवल ऑफ वाटर बढ़ेगा, कब, जब एच जो है डेप्थ ऑफ द टैंक इज 4 m, तो डेप्थ बच्चों हाइट ऑफ टैंक एच हमने ये मान लिया, तो वो ये कह रहा है एट एच इक्वल्स टू 4 हमें क्या निकालना है कि डीएच ओवर डीटी क्या होगा, किस रेट से वो बढ़ेगा। अब देखिए बच्चों सॉल्यूशन, तो बच्चों कंसीडर अ टैंक ऑफ फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, और वो भी कैसी बच्चों इन्वर्टेड। अब बच्चों यहां पर हमें क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हमने वो देखा, तो हमें डीवी ओवर डीटी दे रखा है 5 cm³/h, यही दे रखा है बच्चों। सेमी वर्टिकल एंगल बच्चों थीटा में दे रखा है टेन इनवर्स 0.5, डेट इज टेन थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई 1/2। अब बच्चों हमने क्या करा, वाटर अगर यहां तक बनना है तो इसको बच्चों आर मान लिया हमने, और हाइट को बच्चों हमने कितना मान लिया इस केस में, अभी एच मान लिया, क्योंकि हमें वाटर तक की बात करनी है बच्चों। अब आप देखिए कि अगर इस पूरे को आर मान लेंगे, इस पूरे को आप एच मान लेंगे, तो भी कोई फर्क नहीं है, अभी तो हम इतने की बात कर रहे हैं। तो बच्चों अगर हम यहां पर देखेंगे तो इन ट्राइंगल ए ओ बी टेन थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी आर अपॉन एच, तो 1/2 इक्वल्स टू आर अपॉन एच, तो आर की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, आर की वैल्यू हो गई आपके पास एच बाय टू। क्लियर हुआ बच्चों। अब यहां पर वो आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम हमें दे रखा है और हाइट में बच्चों हमें निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है बच्चों, तो हम यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, तो रिलेशन देखेंगे तो 1/3 πr²h, यही होता है बच्चों वॉल्यूम। अब आप देखेंगे यहां पर कि हमें जो है वॉल्यूम में दे रखा है और हमें चेंज किस में निकालना है, हाइट में निकालना है, यानी रेडियस हटानी पड़ेगी, तो रेडियस की वैल्यू बच्चों h बाय 2 हो गई, यहां पे पुट कर देंगे तो 1/3 π, ये कितना हो जाएगा बच्चों h²/4 × h, तो यहां से जो हमारे पास वॉल्यूम निकल कर आएगा बच्चों, वो वॉल्यूम कितना निकल कर आएगा, π/3 बच्चों, और यहां पर 3 × 4 = 12 हो जाएगा, तो π/12 रख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा बच्चों h³। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी, हमने कर दिया बच्चों, डीवी ओवर डी टी कितना हो गया आपके पास π/12, ये बच्चों कितना हो जाएगा 3h²dh/dt, तो बच्चों ये 4 times चला गया। अब हमें डीवी ओवर डी टी कितना दे रखा है बच्चों, 5 दे रखा है, तो यहां पे 5 पुट कर देंगे, π/4h²dh/dt। अब बच्चों यहां से अगर हम डीएच ओवर डी टी की वैल्यू निकालेंगे तो ये 20 हो जाएगा अपॉन में πh²। अब बच्चों वो हमसे ये कह रहा है कि डीएच ओवर डीटी हमें क्या निकालना है, कब निकालना है, तो देखिए फाइंड द रेट एट विच लेवल ऑफ अ वाटर इज राइजिंग एट अ इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ ऑफ टैंक इज 4 m, दैट इज डेप्थ का मतलब क्या हो गया बच्चों, एच हो गया, तो डेप्थ ऑफ टैंक जो है एच है वो कितनी है बच्चों, 4 है। तो अब बच्चों हमने यहां पर लिख दिया कि डीएच ओवर डीटी कब निकालेंगे हम, एच इक्वल्स टू 4 पर निकालेंगे, तो 20/π, एच स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, एच स्क्वायर की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 16, h² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, तो बच्चों 4 से जाएगा तो ये हो जाएगा 5/4π, अब पाई की वैल्यू बच्चों आप कितनी पुट कर सकते हैं, 22/7 पुट कर सकते हैं, तो 22/7 पाई की वैल्यू रखेंगे यहां पर, तो 5/4 × 22 ऊपर 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 35/88, और यहां पर यूनिट क्या आएगी बच्चों, तो एच जो है एच किस में पुट होगा बच्चों, मीटर में पुट होगा बच्चों, और टाइम जो है वो किस में पुट हो जाएगा, सेकंड में पुट हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों 35/88, लेकिन टाइम यहां पे अवर में दे रखा था बच्चों, सेकंड को हटा के आप अवर में पुट कर देना। दोबारा समझिए बच्चों,
यहां पर हमें एक कोण था बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा, इन्वर्टेड वानी भर रहा था। सेमी वर्टिकल एंगल टेन इनवर्स थीटा हो गया बच्चों, तो थीटा टेन इनवर्स 0.5 था, इधर आ गया टेन थीटा की वैल्यू 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं। अब बच्चों वॉल्यूम का हमें दे रखा था 5 सेंटीमीटर पर क्यूब पर आर से भर रहा है, तो पॉजिटिव में ले लिया बच्चों, थीटा की वैल्यू आ गई। अब बच्चों हमने रिलेशन देखा कि आर और एच में क्या रिलेशन है, तो ये आर मान लिए, पूरा एच दे रखा था, ये वाला ट्राइंगल ले लिया बच्चों, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस बच्चों, तो यहां से आर की वैल्यू आ गई एच बाई टू। वॉल्यूम निकाला बच्चों, क्योंकि हमें वॉल्यूम में रिलेशन दे रखा था और एच में निकालना था, तो वॉल्यूम लिया, आर हटाना था बच्चों, आर का रिलेशन से हमने यहाँ पे पुट कर दिया, अब हमें वी और एच में रिलेशन मिल गया। बस आपको यही ट्रिक याद रखनी है कि हमें कौन सी वैल्यू हटानी है। तो यहां से आपने देखा कि हमें जो दे रखा था बच्चों वो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट दे रखा था, तो वॉल्यूम तो लेंगे ही बच्चों, अब हमें जो निकालना है वो हाइट में निकालना है, यानी वी और एच चाहिए, उसके अलावा सब हटाना है। तो बच्चों आर हटाना था, आर की वैल्यू निकाल के पुट कर दी आ गया, अब दोनों साइड टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, अब तो कुछ बचा ही नहीं बच्चों, इसकी वैल्यू पुट कर दी, एच की वैल्यू आप 4 चाहे तो पहले पुट कर दीजिए चाहे बाद में कर दीजिए बच्चों, एच की वैल्यू 4 पुट कर दी, सॉल्व कर आपके पास क्या आ गया, आंसर निकल कर आ गया। क्लियर हुई बच्चों, समझ में आ गया आपको? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आर की जगह क्या पुट करें। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है बच्चों कि आपको क्या हटाना है, जरूरी नहीं है कि बच्चों आर ही हट रहा हो सकता है वो रेडियस में पूछ रहा हो, तो बच्चों एच हटाना पड़ेगा। तो वो आप निकालेंगे कैसे कि बच्चों क्या हटाना है, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि ये देखना है कि क्या दिया हुआ है वो लेना है और किसको निकालना है वो लेना है, उसके अलावा बाकी सब आप अदर टर्म्स को बच्चों उन्हीं दोनों में निकाल कर पुट कर दीजिए, जिससे बाकी टर्म्स बचेंगे नहीं, डिफरेंशिएट करने के बाद आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और आपको क्या मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ काइट इज फ्लाइंग या फिर अ काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 151.5 मीटर। इफ द स्पीड ऑफ अ काइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट the string being laid out when the kite is 250 meter away from the boy who is flying the kite. The height of boy is 1.5 meter. वो ये कह रहा है बच्चों, एक काइट है जो कि हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रही है। अब बच्चों हमने मान लिया कि इस समय काइट यहां पर है, ये ओ इनिशियल पॉइंट मान लिया बच्चों, ये ए बी ओ ए जो है वो बॉय की हाइट हो गई 1.5 मीटर, और यहां पर बच्चों काइट है, ये पूरी हाइट जो हो गई वो 151.5 मीटर हो गई। तो ये वाला जो पोर्शन है बच्चों ए बी वाला वो 1.5 इसमें से डिडक्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा 150 मीटर। अब काइट बच्चों फ्लाई कर रही है तो यहां पे पहुंच जाएगी। अब जो फ्लाई कर रही है बच्चों, ये एक्स अगर हम मान लेंगे तो कितने से कर रही है, तो डीएक्स ओवर डीटी कितना हो जाएगा बच्चों आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ये बच्चों स्ट्रिंग हो गई हमने वाई मान ली। अब वो ये कह रहा है बच्चों कि अगर काइट जो है वो इस रेट से फ्लाई कर रही है इधर की तरफ, इसको सी पॉइंट मान लीजिए, तो रेट क्या है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड है, तो स्ट्रिंग को हम किस रेट से लेड आउट करें। देखिए क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, अ काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली। वर्ड प्रॉब्लम्स को आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना आपको क्लियर होते जाएगा क्या क्या दिया है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से ही निकालनी है बच्चों। एट अ हाइट ऑफ, ये हाइट मान ली बच्चों, तो हाइट बेस से दी जाती है हमेशा, ये आप ध्यान रखिएगा। इफ द स्पीड ऑफ काइट इज 10 मीटर पर सेकंड, हाउ फास्ट द स्ट्रिंग विल लीड आउट, यानी डीएक्स ओवर डीटी हमें फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना, dy ओवर dt, स्ट्रिंग किस रेट से लेड आउट करी जाए। अब बच्चों कह रहा है कि when the kite is 250 मीटर अवे फ्रॉम द वे, ये बच्चों 250 मीटर हो गया, d ओवर dt हमें निकालना है when, जब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250 मीटर हो जाएगी तब, और बॉय फ्लाइंग कर रहा है तो बॉय की हाइट ये दे रखी है बच्चों, ठीक है। सॉल्यूशन, कंसिडर अ बॉय of height
ए इक्वल्स टू 1.5 मीटर एंड काइट इज फ्लाइंग एट बी, ओ बी कितना हो गया 151.5 मीटर, देन ए बी कितना आ जाएगा बच्चों, ओ बी माइनस ओ ए, 151.5 माइनस 1.5 इक्वल्स टू 150 मीटर। इतनी बात आपको समझ। अब ये dx ओवर dt तो दे ही रखा है बच्चों। अब हमने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, तो हम यहां पे लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यही लिख सकते हैं। y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, तो y स्क्वायर आ गया बच्चों x स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर। अब बच्चों हमें dy ओवर dt निकालना है, तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया बच्चों डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, तो 2y dy ओवर dt इक्वल्स टू 2x dx ओवर dt, 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, तो dy ओवर dt की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों x अपॉन y, और dx ओवर dt की वैल्यू कितनी दे रखी थी तुम्हें 10, तो बच्चों यहां से dy ओवर dt की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 10x ओवर y, इसको इक्वेशन 1। अब बच्चों आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों अभी आप क्या करिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब बच्चों हमें कब निकालनी है, व्हेन y की वैल्यू कितनी है 250। अब बच्चों यहां पर x भी पुट करना पड़ेगा, जब y 250 होगा यानी ये वाली लेंथ जो है वो 250 हो गई बच्चों, तो उस समय x क्या होगा वो हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों पुट इन इक्वेशन 1, हमने उठा के y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर, तो बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, 150 प्लस 150 400, a माइनस b तो बच्चों कितना हो गया 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहां से 200 का स्क्वायर आ गया। अब x की वैल्यू बच्चों 200 का स्क्वायर हो गया, तो x की वैल्यू 200 हो गई। नाउ हमें क्या निकालना था, dy ओवर dt, तो ये कितना था बच्चों 10x ओवर y, तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू हो गई 200 और y की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 250। अब बच्चों 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहां पे 5 से 4 टाइम जाएगा, 5 से 5, 5 से 2, यानी ये कितना आ गया बच्चों 8 आ गया। अब किस रेट में आएगा बच्चों, मीटर पर सेकंड में, यानी कि dy ओवर dt की वैल्यू आ गई आपके पास 8 मीटर पर सेकंड, यानी जब बच्चों काइट फ्लाइंग करेगी 10 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टली, तो आपको जो स्ट्रिंग लेड आउट करनी है वो किस रेट से करनी है, वो 8 मीटर पर सेकंड से लेड आउट करनी है। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आ गया आपको। अब आपको ये क्वेश्चन देख के ये समझ में आ गया होगा कि डेरिवेटिव एट अ रेट मेजर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ये सारे कॉम्पिटिशन लेवल क्वेश्चन है और बोर्ड्स में अगर पूछे जाएंगे तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। इन्हें देख के आपको यह समझ में भी आ रहा होगा कि इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है तो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस देखना यह है कि हमें क्या दिया और क्या निकालना है, उसमें आपको इक्वेशन बनानी है और वैल्यूज पुट कर देनी है, बस इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट डिफ्रेंशिएशन करना बच्चों आपको बहुत अच्छे से आता है, बहुत ही इनिशियल लेवल का डिफ्रेंशिएशन है, यहां पर कुछ भी टफ नहीं है, वैल्यूज आपको पुट करनी आती है, आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास बच्चों यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू स्टूडेंट्स।